वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों आज तुहाडे सारयां नूं इक बड़ी ज्यादा जरूरी जो जानकारी है वह दसन लग्या हां। अज मैं अते एडवोकेट रणजोत सिंह भुल्लर इत्थे डिब्रूगढ़ विखे आए हां। असी सवेरे 9:30 बजे इत्थे डिब्रूगढ़ पहुंच गए सी, ते उस तों बाद असी करीब जो 12 बजे तो पहला 11 बजे जो इत्थे डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल है, जो तुसी मेरे मगर डिब्रूगढ़ जो जिला कचहरी है देख रहे हो, इस दे ऑपोजिट साइड ही डिब्रूगढ़ जो सेंट्रल जेल है इत्थे पहुंच गए सी। फिर जिन्ना भी असी प्रोसेस सी प्रोसीजर जो पंजाब सरकार तो जो असी परमिशन सानू मिली सी, ते उस तों बाद इत्थे जेल सुपरिटेंडेंट नाल उह परमिशन वगैरा जो कन्वे होगी, ते सानू जेड़े वारस पंजाब दे जथेबंदी दे आगू ने जेड़े इत्थे नौ जेड़े जथेबंदी दे आगू ने जो इत्थे नजरबंद ने एनएससी अधीन सेंट्रल जेल डिब्रूगढ़ विखे, उन्हां नाल जो मुलाकात करन दा मौका मिल गया सी। करीब 12 बजे साडी मुलाकात शुरू होई सी, ते 5 बजे तक साडी जो मुलाकात है वह चली। तकरीबन 5 घंटे असी जो गल्लां बातां लीगल पैरवी ते कीतियां सारिया जिन्ने भी एनएसए तहत वारस पंजाब दे जथेबंदी दे सिंह इत्थे जिहड़े डिटेन्ड ने, पहली गल तां जिन्ने भी इत्थे वारस पंजाब दे जिहड़े आगू ने सिंह ने ओह सारे चढ़दी कला विच, उन्हां ने सानू दस्या भी असाम सरकार ने असाम गवर्नमेंट ने उन्हां नूं बड़ा वधिया इत्थे ट्रीटमेंट दे रहे ने, उन्हां दी खिदमत दे विच भी जो है जो दूसरे कैदी हुंदे ने एनएसए तहत जो राइट्स हुंदे ने उन्हां दी खिदमत विच भी लाए गए ने। जे कोई प्रॉब्लम आउंदी है तां 5 मिंटां विच ही डाक्टर जो आ जांदा है, जो जेल सुपरिटेंडेंट साहब ने बड़ा असी धन्नवाद भी करके आए उन्हां दा। बाकी जो लीगल पैरवी दे लई जो वकालतनामे भी साइन करवा ले ने, ते जो डिटेंशन आर्डर भी जो हैगे ने सारे सिंघां तों लै लए ने, ते उन्हां दे नाल काफी जो 100-150-200 पेजां दा जो एक डोजियर वांगू उन्हां दे अगेंस्ट जो एक असला जो सरकार ने इकट्ठा किया वह बिल्कुल ही फोका असला है। कख नहीं सरकार ने होमवर्क किया, बिल्कुल ही मैं कहूंगा जेड़िया घसिया पिटिया चीजा होंदिया ने वह एविडेंस बना के कोई पुख्ता प्रूफ नहीं सरकार कोल, कुछ नहीं। जेड़िया इंटरव्यू ने वह बयान बना के बिल्कुल जेड़िया मैं कहूंगा पचकानिया गल्लां होंदिया ने उस दे आधार ते एनएसए लाया। कोई केस ही है नहीं गा जिन्ना असी स्टडी कीता, कोई एनएसए नहीं बनता वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे सिंघां दे अगेंस्ट। ते उस तों बाद जो वारिस पंजाब दे जथेबंदी समर्थ है, ते असी एक पैनल बना के जेड़े इंडिया दे विचों सुप्रीम कोर्ट दे विचों हाई कोर्ट दे विचों जेड़े एनएसए दे एक्सपर्ट जेड़े एडवोकेट्स ने सीनियर एडवोकेट्स ने उन्हां दा पैनल बना के जिन्ने भी आगू इत्थे नजरबंद ने उन्हां दे केसां दी पैरवी करांगे, ते बाकी जेड़ियां जथेबंदियां ने जेड़ियां संस्थावां ने पहलकदमी कीती है उन्हां दे भी असीं शुक्रगुजार हां। उन्हां नूं भी बेनती हैगी है भी तुसीं मोढे नाल मोढा जोड़ के साडे नाल चलो, ते आपां जेड़ी इको कौम आ ते आपां इकट्ठे हो के जेड़ी पैरवी करिए, ते कोई वाद विवाद ना क्रिएट करिए। ते बाकी इत्थे आण के मैनूं इक बड़ी ज्यादा संसनी खेस जो गल पता लगी भी जेड़ियां एजेंसियां ने जेड़ी आईबी वर्गी सीआईडी वर्गी एजेंसियां ने वो बड़ियां कोझियां चालां चल रहियां ने। इत्थे जिन्ने सिंह वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे आगू नजरबंद ने उन्हां नूं आंदे ने भी जिहड़ा तुहाडा वकील खारा उस दीआं लत्तां भार नहीं चलदीआं, ओह तुहाडे केस छड्ड चुक्या है। ते उन्हां ने मैनूं सिंघां ने इह गल प्रत्यक्ष आखी, ते दूजे पासे की हुंदा है मेरी जिहड़ी परमिशन है पिछले 15-20 दिनां तो मैं मंग रहा सी, मैंने दित्ती नहीं सी जा रही। ते इत्थे आण के उन्हां नूं कहिंदे सी तुहाडा जिहड़ा बंदा है उही तुहाडे केस छड्ड चुक्या है, ता बड़ी ज्यादा एक जिहड़ी अते पर दूजे लोकां नूं परमिशनां दित्तियां जा रहियां सी, ता बड़ी ज्यादा एक जो वाद विवाद खड़े करन वाली प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा सी। इत्थों तक कि जिहड़े देशां विदेशां विच वी वारिस पंजाब दे जथेबंदी संबंधत जिहड़े सिंघ वसदे ने उन्हां दे अगेंस्ट भी इन्हां नूं बड़ा ज्यादा एक प्रोपेगेंडा अफसरां वल्लों इंटेलीजेंस दे अफसरां वल्लों रचिया गया इन्हां दे बारे बाहर जो एक प्रोपेगेंडा विदेशां विच रचिया जा रहा सी, झूठियां फोन कॉल हो रही सी, मैसेज भेजे जा रहे सी,
ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਰੋਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੋਈ ਹੋਣ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।